नगर परिषद से नगर निगम बने सासाराम में 48 वार्ड का गठन किया जाएगा। रोहतास के डीपीआरओ सत्यप्रिय कुमार ने बताया कि सासाराम नगर निगम के लिए 48 वार्ड का गठन 13 अप्रैल से 27 अप्रैल 2022 तक किया जाना है। नगर निगम सासाराम में प्रति वार्ड में 5,515 लोग शामिल होंगे। इस खबर से निगम वासियों में खुशी का माहौल है। सासाराम नगर निगम की हम लोग बात करें तो 2,64,718 इसकी जनसंख्या है। तो ये मतलब जनसंख्या एक प्रोजेक्टेड जो पॉपुलेशन है, तो उसके आधार पर यहाँ 48 यानी 48 वार्डों का गठन किया जाएगा। तो उसमें पॉपुलेशन का एक स्टैंडर्ड दिया गया है, औसत जनसंख्या जो कि 5,515 ये औसत किया गया है कि इसके अराउंड एक वार्ड की जनसंख्या होनी चाहिए और जहाँ तक संभव है यथाशक्ति समानुपातिक होना चाहिए। ये तो एक बात हुई। उसके साथ एक ये कहा गया है कि अगर आपवादिक स्थिति है तो उसका एक मानक जनसंख्या का परास एक फ्रीक्वेंसी निर्धारित किया गया है कि जैसे 5,515 है तो 5,515 से 1,000 पहले और 1,000 बाद यानी 4,515 से लेकर के 6,515 के बीच में, इस बीच में उस पार्टिकुलर वार्ड जिसका गठन किया जाए।